नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कल भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एम एन रामन्ना। जस्टिस बोर्डवे आज शाम रिटायर्ड हो गए। विषय एक ऐसा है जो आमतौर पे कोई यूट्यूबर्स उठाता नहीं, लेकिन हमने इस विषय को क्यों उठाया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे कल जस्टिस रामन्ना। उन्हें भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगे और उसके बाद वे देश के 48वें राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। आज जस्टिस बोबड़े जब रिटायर्ड हुए तो एक मामला फिर उठा कि क्या जाते जाते बोबड़े फिर से दोबारा से जाते जाते विवाद में रहे। आज उनका जो आखिरी मामला था, जिस मामले पे उनकी सुनवाई होनी थी, उस मामले को लेकर क्या वो लॉबी के शिकार हो गए। एक ऐसा मामला कि जस्टिस बोबड़े भारतीय न्यायिक इतिहास के पहले जज बने जिनके ऊपर मानहानि का मामला जिनको लेकर के चला और प्रशांत भूषण के ऊपर एक रुपए का जुर्माना। आज हम आपको कुछ रोचक चीज वो बताएंगे कि क्यों मोदी युग में, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से क्या भारत के मुख्य न्यायाधीशों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। वो तमाम न्यायाधीश जो भारत में के मुख्य न्यायाधीश आज तक बने हैं या कल तक बनेंगे, जो जस्टिस रामन्ना होंगे, उन तमाम न्यायाधीशों की नियुक्ति उस समय में हुई है जब कांग्रेस का राज था। चाहे वो जस्टिस रमन्ना हो या फिर इससे पहले के जजेज हो, ऐसा क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज रहे हैं उसने जुडिशियली इतिहास के इतिहास में तमाम परेशानियों का सामना किया है। हम बारी बारी से आप आज उसे बहुत दिलचस्प और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। जस्टिस अरविंद बोबड़े आज रिटायर्ड हो गए और कल शपथ ले लेंगे जस्टिस रमन्ना। आंध्र प्रदेश से आने वाले रमन्ना क्या निष्पक्ष रह पाएंगे, क्या लॉबी के शिकार नहीं होंगे जस्टिस रमन्ना। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आने वाले समय में जस्टिस रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट का लॉबी शिकार अपना बनाएगा और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो समझेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी युग में, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हर चीजों को, हर सिस्टम को दागदार बनाने का षड्यंत्र कैसे रचा गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले यदि ऐसे आए जिसे लॉबी को स्वीकार नहीं हुआ, जिसे लेफ्ट लिबरल गिरोह स्वीकार नहीं कर पाया, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को बदनाम किया गया, कैसे मोदी युग में भारत के इतिहास में पहली बार एक चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगा, कैसे मोदी युग में पहली बार एक चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग चलाने की शुरुआत की गई, कैसे मोदी युग में एक चीफ जस्टिस के ऊपर उनकी मानहानि की गई और सुप्रीम कोर्ट में एक मानहानि का केस चला। ये तीनों अलग अलग जज हैं और तीनों भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान में वरीयता के हिसाब से चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश का सबसे गरिमामय पद होता है और निष्पक्ष और निरपेक्ष पद माना जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का। सालों तक ये पद गरिमा में बनाए रहा, लेकिन 2016-17 के बाद से लगातार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को कैसे कलंकित करने का षड्यंत्र रचा गया, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज इससे पहले आपको याद होगा कि हमने जो भी साथी द मनीष ठाकुर शो देखते रहे हैं, पिछले साल हमने जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर के सुनाया था। आपको दिलचस्प लगेगा कि जितने भी जजेज हैं उनका बैकग्राउंड, उनके परिवारों का बैकग्राउंड कांग्रेस के बैकग्राउंड से रहा है, लेकिन बाद में उसके बावजूद क्यों इन जजों को, सुप्रीम कोर्ट के इन मुख्य न्यायाधीशों को
कलंकित करने का और इसकी इनके इनके पूरे करियर को दागदार बनाने की कोशिश की गई। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर्ड होने के तुरंत बाद जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर एक लॉबी हावी है जो सुप्रीम कोर्ट को के न्यायाधीशों को उनसे डर लगता है अपनी साख को लेकर। क्योंकि अदालत का जो पेशा होता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि जो सुप्रीम अदालत होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनके पास एक ही चीज होता है, उनका साख। न्यायपालिका में यदि जजेस के पास साख नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जजेस ने, चाहे वो जस्टिस रंजन गोगोई हो या उनसे पहले के जस्टिस दीपक मिश्रा हो, जस्टिस खेहर हो, किसी ने भी मोदी सरकार की बात नहीं मानी। आज भी ये मामला पेंडिंग है कि ये जो आप कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है खुद ही नियुक्त करते हैं जजेस को, उस परंपरा को खत्म किया गया। हम बारीकी से जस्टिस अरविंद बोबड़े जो आज शाम में 5 बजे रिटायर्ड हो गए हैं, वो लंबे समय बाद एक ऐसे जज रहे जिन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए एक जज को भी नियुक्त नहीं कर पाए। क्यों जस्टिस बोबड़े, क्यों ऐसा हुआ कि इतने समय, लगभग 2 साल तक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे लेकिन वो एक भी जज की नियुक्ति नहीं कर पाए। और जस्टिस बोबड़े पहले जज हुए भारत के इतिहास में जो कोरोना काल के शिकार हुए और उनका पूरा मैक्सिमम कार्यकाल ऑनलाइन हियरिंग में चला गया। आज जब वो रिटायर्ड हुए तो ये पहले जज ऐसे हुए जो ऑनलाइन इनका रिटायरमेंट हो गया। सीजीआई पहले तरफ से रिटायरमेंट होने के बाद जो अपना एक भाषण उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट हैं कि वो सम्मान के साथ रिटायर कर पाए। डॉक्टर चेतन कह रहे हैं कि जजेस कॉलेजियम से सबसे पहले बंद होना चाहिए और ये सीधी झुंड साई है और इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन कमाल की बात है डॉक्टर चेतन कि जजेस इस पे कुंडली मार करके बैठे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, एक न्यायिक आयोग बने जिसमें भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के कानून मंत्री हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों और एक न्यायिक मामले के जानकार हो। लेकिन कुंडली मारकर बैठे सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह लगता है कि उनके हिस्से का हस्तक्षेप होगा और इसीलिए जजों की नियुक्ति में कहीं ना कहीं पेच फंसता है। मैं आपको आज जिस गंभीर विषय पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड करने के लिए मुझे लगता है कि इसको एक ऐसा दस्तावेज के रूप में आप इसे संभाल पाएंगे कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज रिटायर्ड हो गए जस्टिस बोबड़े और जब वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ इस देश और इस न्यायिक सिस्टम को दिया, अच्छी यादें हमारे साथ जा रही है, आज मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं सम्मान के साथ रिटायर होना चाह रहा था और मुझे लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से अच्छी यादें लेके जा रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जस्टिस बोबड़े अच्छी यादें लेकर के गए? क्या उनके काल में सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायपालिका गरिमा में रह पाई? कैसे रह पाई? कैसे जस्टिस बोबड़े ने कहा कि वो एक सर्वश्रेष्ठ, अपना सर्वश्रेष्ठ देकर के जा रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मैं अच्छी यादों को लेकर के जा रहा हूं? ये कौन सी यादें लेकर के जस्टिस बोबड़े जा रहे हैं? हर सरकारी आदमी जब रिटायर्ड होता है तो उसकी चाहत होती है कि वो बिना दाग के रिटायर हो जाए, और खास करके जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक सेवा है, वो तो पूरी तरह से साख के है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। कैसी यादें लेकर के गए? इनके ऊपर आरोप लगाया प्रशांत भूषण ने। प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स पिछले दिनों खूब चर्चित हुए। जो लोग हमारे साथ पिछले साल से कम जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हमने प्रशांत भूषण के ऊपर जो मानहानि का केस हुआ था, अदालती अवमानना का जो केस हुआ था, उसको लगातार कई बार आपके साथ विश्लेषण किया था द मनीष ठाकुर शो में। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट से आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे एक लॉबी हावी कब्जा कर रहा है। और बहुत बारीकी से मैं आज बहुत गंभीर इश्यू पे चुकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल से थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल, कैसे इस देश के सिस्टम पर,
कैसे पूरी न्यायपालिका की साख नरेंद्र मोदी के काल में तबाह करने की कोशिश की गई है और उसका उद्देश्य क्या हो रहा है। 27 जून 2020 को एक ट्वीट किया प्रशांत भूषण ने, शांति भूषण के पुत्र प्रशांत भूषण ने, प्रशांत भूषण जिसने कश्मीर को लेकर के एक विवादास्पद बयान दिया था कि कश्मीर को अलग कर दिया जाए, उसके चैंबर में घुस करके कुछ लोगों ने उनका जम करके उनकी पिटाई की थी, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। प्रशांत भूषण ने कहा कि जब बहुत गौर से सुनिएगा, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था, जब भावी इतिहासकार देखेंगे कि कैसे पिछले 6 सालों में, गौर कीजिएगा, पिछले 6 सालों में बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के भारत के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, मतलब जब से मोदी आए तब से भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिस व्यक्ति को चुना है, और मैं अक्सर कहता हूं कि भारत के इतिहास में यदि एक व्यक्ति सिस्टम के हिसाब से देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से किसी को चुना है तो सिर्फ वो नरेंद्र मोदी है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे नेहरू के बाद शास्त्री हो, उनका तो चुनाव ही नहीं हुआ, इंदिरा गांधी हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर चुने गए उन्हें देश की जनता ने प्रचुर बहुमत से कभी नहीं चुना। राजीव गांधी यदि चुने गए तो राजीव गांधी को किसी ने वोट नहीं दिया, ये पूरा देश जानता है कि उनकी मां इंदिरा गांधी के की जब हत्या हो गई थी तो उसकी सहानुभूति की लहर थी, लोगों ने इंदिरा गांधी की सहानुभूति में राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी कांग्रेस की, अब तक की सबसे ज्यादा बहुमत से चुनी हुई सरकार थी राजीव गांधी की, जो 2 साल भी राजीव गांधी उसको ढंग से चला नहीं पाए। लेकिन प्रशांत भूषण जैसे लेफ्ट लिबरल गिरोह के जो कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाह रहा था, उस प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था, मगर इस ट्वीट ये पॉलिटिकल है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अवमानना कैसे हो गई जरा इसे देखिएगा, फिर हम अतीत में जाएंगे। उन्होंने कहा जब भावी इतिहासकार देखेंगे कि कैसे पिछले 6 साल में बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के भारत के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आगे का लाइन सुनिए, वे इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी पर सवाल उठाएंगे, यही अवमानना है, वो इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट के भागीदारी पर सवाल उठाएंगे, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, सीजीआई की भूमिका को लेकर सवाल करेंगे, तो सीधे तौर पे सीजीआई की मानहानि हो गई। इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। प्रशांत यही नहीं रुके, नागपुर के रहने वाले हैं जस्टिस बोबडे, नागपुर संघ का मुख्यालय है, उसको जोड़ दिया गया और बड़े षड्यंत्र तरीके से एक मोटरसाइकिल, चूंकि जस्टिस बोबडे मोटरसाइकिल के शौकीन हैं तो वो कोरोना का काल उस समय शुरू हो चुका था, वो मोटरसाइकिल पर एक बैठे हुए थे और अपने घर के सामने में लॉन में वो मोटरसाइकिल स्टैंड पे थी और उस पर बैठे हुए थे। दरअसल वो एक महंगी मोटरसाइकिल थी जो भारत में आमतौर पर जब आप मंगवाते हैं तभी आपके पास वो आ सकती है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बीजेपी के नेता की मोटरसाइकिल है, बोबड़े को ये पता नहीं था, कंपनी ने भेजा था कि आप यदि लेना चाहते हैं तो इस तरह की मोटरसाइकिल होती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश उसे बीजेपी के एक नेता ने मोटरसाइकिल गिफ्ट किया है, जबकि ये सरासर गलत था और इस मुद्दे को लेकर के उनकी मानहानि हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि माफी मांग लो, प्रशांत ने माफी नहीं मांगा क्योंकि जानबूझकर उन्हें पता है कि वो क्या बवाल मचाएंगे, और उसके बाद पूरा जितना लेफ्ट लिबरल गिरोह का जितना भी वेबसाइट था सबने प्रशांत के फेवर में माहौल बनाना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से मानहानि करनी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता में एक बेंच बनी और उसने मानहानि की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने लाख कोशिश किया कि प्रशांत भूषण माफी मांग ले, लेकिन माफी नहीं मांगे, तो अल्टीमेटली उन्हें सजा हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट की बेबसी देखिए लॉबीज के सामने में कि मात्र 1 रुपए का जुर्माना किया गया, और वो 1 रुपए भी अपमानजनक तरीके से प्रशांत ने यूं दिखाया था अपने वकील के माध्यम से, और फिर प्रशांत भूषण ये खेला करते रह गए और जस्टिस बोबड़े लाचार नजर आए, पूरी तरह से लाचार नजर आए, वो कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो नागपुर के थे और कई सारे ऐसे फैसले इन लोगों ने एक माहौल बनाया, दरअसल ये चीजें कर करके ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस बोबड़े, वो उनकी साख को इस तरह से डैमेज किया जाए कि जो भी वो फैसला देंगे तो
ये कहना आसान हो जाएगा कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नागपुर उनका घर है और एक मोटरसाइकिल से उन्होंने साबित कर दिया कि बैठे हुए हैं कि बीजेपी के नेता के गाड़ी पर। और मुझे जो याद आ रहा है, जो मोटरसाइकिल थी वो विदेश की मोटरसाइकिल थी और इस देश में दो तीन लोगों के पास थी, शायद बहुत कम, महाराष्ट्र में दो तीन लोगों के पास थी उस समय मैंने जो पढ़ा था। और उसके बाद पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आ गए जस्टिस बोबड़े, और जाते जाते उनकी स्थिति ये हो गई कि देखिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कोरोना के विपदा को देखते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तमाम मामले जो हैं अलग अलग हाई कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। उसके लिए अमाइकस क्यूरी बनाया गया हरीश सालवे को। लेकिन जस्टिस बोबड़े के इस आखिरी फैसले के समय पूरी तरह से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हरीश सालवे जैसे वकील के लिए ये कैसे बनेंगे अमाइकस क्यूरी, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गया। और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि आखिरी दिन आज हरीश सालवे ने अपने आप को इस मामले से वापस ले लिया और सीजीआई आखिरी दिन अपने मैटर को बैकफुट पे आकर के इस मैटर को से अपने आप को हटा लिया और यह छोड़ दिया कि आने वाले जज इसको तय करेंगे। तो क्या यह पहली बार हुआ कि बैकफुट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आना पड़ा? अब इस चीज को समझिए, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई का पूरा बैकग्राउंड कांग्रेस कोटे से, उनके पिता कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस कोटे से असम के मुख्यमंत्री रहे रंजन गोगोई के पिता। रंजन गोगोई कौन है जरा सा अब हम आपको बारीकी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले कहते थे कि मोदी ने आपातकाल जैसा वातावरण बनाया, आजकल कोरोना के कारण वो चिल्ला रहे हैं कि मोदी विरोधी मांग कर रहे हैं कि तुरंत आपातकाल घोषित करें। यही दरअसल इन्हीं सब खेल को हम सबको समझना है, और मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने इस विषय को उठाया और बहुत बारीकी से अभी हम आपको लिए चल रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैटर क्या है और इस तरह से कैसे इसके पीछे एक बड़ी साजिश की जा रही है और ये सिंपल मामला कैसे नहीं है। जरा से इस चीज को देखिए। आपको याद होगा कि जस्टिस रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस बने थे तो बहुत दुलारे थे। अब लाइन पे आ रहा हूं, ये अब अरविंद बोबड़े आज चले गए, रमन्ना के लिए मुश्किलें कैसे होंगी उस पर हम बाद में आएंगे। कल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे जस्टिस एमएन रमन्ना, उनके लिए उन्हें कैसे लॉबी घेरेगी कल किन इश्यू पर वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने जस्टिस अरविंद बोबड़े के लिए कहा, अब जो मैटर हम ला रहे हैं वो है जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, ये है रंजन गोगोई, ये राज्यसभा के मेंबर हैं और ये आज जो है वो रिटायर्ड हुए जस्टिस अरविंद बोबड़े। रिटायरमेंट के समय इन्होंने क्या कहा वो हमने आपको बताया कि कैसे इन्होंने कहा कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मुझे मैं अच्छी यादें लेकर जा रहा हूं। कितनी अच्छी यादें लेकर के ये गए ये आपको मैंने आपको बताया कि कैसे लॉबी ने इनका चरित्र हनन किया। अब ये है रंजन गोगोई, ये कितनी यादें अच्छे लेकर के गए इसको देखिए। पहली देश के पहले इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जस्टिस अरविंद बोबड़े जिनके काल में इनका मानहानि किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मानहानि सुप्रीम कोर्ट के एक प्रभावशाली व्यक्ति प्रशांत भूषण ने किया और कुछ नहीं कर पाए, बेबस हो गए जस्टिस बोबड़े और इनके इनके टीम में इनके इनके दौर में जो जस्टिस अरुण मिश्रा जो रहे उनकी टीम ने मानहानि का केस चलाया प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण ने माफी तक नहीं मांगी, एक रुपए का महज जुर्माना ये कर पाए और उस एक रुपए को भी मजाक के रूप में प्रशांत भूषण ने सामने रख दिया कि कैसे दिखाया जाता है। अब जस्टिस बोबड़े रिटायर हो गए, इन्होंने कह दिया कि हम तो अच्छी यादें लेकर के गए। अब ये भाई साहब ये हैं जस्टिस रंजन गोगोई, अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, ये कांग्रेस, इनके पिता कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। जब ये चीफ जस्टिस बने तो बड़ी उम्मीद इनसे थी लॉबी को कि कांग्रेस का बहुत भला करेगी। जब ये चीफ जस्टिस थे तो मुझे याद है कि मेरे कुछ सुप्रीम कोर्ट के मित्रों ने कहा था मुझे कि जस्टिस रंजन गोगोई तो मोदी को FIR करके ही भेजेगा मोदी, क्यों? क्योंकि इन सबको भरोसा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का खून तो इनके अंदर होगा ही होगा, क्योंकि इनके पिता तो कांग्रेस कोटे से मुख्यमंत्री थे। इनके समय में राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे,
और राफेल का जब मामला चल रहा था, राहुल गांधी खूब हल्ला मचा रहे थे उस समय में, और चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव होना था, ये उम्मीदें थी कि रंजन गोगोई जो है वो मोदी के ऊपर FIR करवा देंगे। कैसे? क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, राहुल गांधी से पॉलिटिकल इश्यू बना रहे थे और मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं कांग्रेस कोटे के, उन वो इस मामले को लेकर के चल रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि जो चुनाव हो रहा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इन तीन राज्यों में यदि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मोदी बैकफुट पे आ जाएंगे और रंजन गोगोई FIR का ऑर्डर कर देंगे राफेल मामले में। लेकिन हुआ उसके उल्टे, राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस चलने लगा एक तरह से, क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को झूठे तरीके से पॉलिटिकल इश्यू बनाया। तो इन्हीं रंजन गोगोई के समय में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी और राहुल गांधी के वकील ने उन्हें तीन तीन बार एक तरह से माफी मंगवाया। जो काम प्रशांत भूषण ने नहीं किया, राहुल गांधी से तीन बार हो गया फर्जीवाड़े तरीके से। अब रंजन गोगोई जो है, जब रंजन गोगोई रिटायर हुए उसके बाद इन्हें जब राज्यसभा भेजा गया तो पूरी तरह से इनकी बदनामी की गई कि इन्हें राम मंदिर के लिए सजा दिया गया, मतलब राम मंदिर बना के फैसले के लिए इनाम दिया गया। रंजन गोगोई जब राज्यसभा के लिए चुने गए तब रंजन गोगोई ने एक बात कही थी मीडिया को अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू देते हुए कि मैं लॉबी का पर्दाफाश करूंगा। और हम सबको उम्मीद था कि जब रंजन गोगोई राज्यसभा में बहस करने के लिए आएंगे तो बहुत सारी चीजें सामने रखेंगे, लेकिन रंजन गोगोई को यह अवसर नहीं मिल पाया। अब मैं बहुत बारीक चीज ले रहा हूं, रंजन गोगोई ऐसे जज जिन पे बहुत भरोसा था लॉबी को कि ये मोदी को पछाड़ देगा, मोदी की ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए क्योंकि इनका बैकग्राउंड कांग्रेस से था। अब बैकग्राउंड तो मैक्सिमम जितने वकील होते हैं वो लीडर टाइप के होते हैं। वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसने आजादी के आंदोलन में वकीलों ने बड़ी भूमिका निभाई है, तो जितने जजेज होते हैं वो सामान्य वकील ही तो होते हैं, वो तो वकालत के समय में वो लीडरशिप करते हैं। हमारे आजादी के आंदोलन में वकीलों की बड़ी भूमिका रही है, तो जितने वकील होते हैं वही तो जज बनते हैं, तो जितने भी वकील हैं वो अपने वकालत के समय में सामान्यतः लीडरशिप करते हैं, उनका किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं टच तो सामान्यतः होता है मैक्सिमम वकीलों का। तो रंजन गोगोई के पिता भी तो जज साहब थे, वो मुख्यमंत्री थे, एक समय में उनसे पूछा गया था कि आपका बेटा रंजन जो है कि आपकी तरह से पॉलिटिक्स में आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा सपना है कि मेरा बेटा एक दिन भारत का मुख्य न्यायाधीश बने, और रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। रंजन गोगोई के लिए एक और चीज, क्यों रंजन गोगोई पे इन चाटुकारों को, लॉबिस्टों को, इन खैरातियों को उम्मीद थी कि रंजन गोगोई भारत के प्रधानमंत्री को भेज देंगे, भारत के प्रधानमंत्री को FIR कर देंगे, ऐसा क्यों ये लॉबिस्ट सोच रहे थे? बोबड़े साहब ने एक बड़ी गलती की है कि प्रशांत भूषण को वकालत करने से रोकना चाहिए था, सारी अकल ठिकाने आ जाती। डॉक्टर चेतन, इतना आसान भी नहीं होता है कि ये लोग सिस्टम पर इतने काबिज होते हैं। इसी बात को लेकर के मैंने आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू को उठाया है, तो अच्छा है कि लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि मैं इस चीज को लेकर, रंजन गोगोई को क्यों रंजन गोगोई पर यह उम्मीद थी लोगों, अब आप इस चीज को समझिए कि रंजन गोगोई से इतनी उम्मीदें क्यों थी। रंजन गोगोई, जैसे मैंने बताया कि वो उनका कांग्रेस बैकग्राउंड था, रंजन गोगोई से आपको पीछे की चीजें एक याद आ जाएगी। अब जरा सा इस तस्वीर को आप याद कीजिए, यह तस्वीर आप कतई भूलने नहीं पाएंगे। इसमें ब्लू टाई में है जस्टिस रंजन गोगोई, रंजन गोगोई के बाएं तरफ हैं जो उस समय के नंबर टू जज थे, जस्टिस चालामेश्वर, और ये उस समय के नंबर टू जज थे, और जस्टिस रंजन गोगोई उस समय नंबर थ्री जज थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस दीपक मिश्रा। अब जरा इस चीज को मैं फिर कह रहा हूं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मोदी काल में काम करना कितना मुश्किल हुआ, और कोई जज ऐसा नहीं बचा है अब तक जिसकी साख को डैमेज नहीं किया गया। रंजन गोगोई के ऊपर क्या हुआ? रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस चला, रंजन गोगोई के ऊपर उनके ही एक महिला सहयोगी द्वारा आरोप लगाया गया कि रंजन गोगोई ने उनका यौन शोषण किया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी चीफ जस्टिस को, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, और वो जज थे जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई सोच रहे थे कि वो तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के निकल जाएंगे,
जैसे जस्टिस आज शाम 5 बजे रिटायर होने वाले जस्टिस बोबड़े के ऊपर भारत के इतिहास को पहले जज बने जिनके ऊपर मानहानि इनका किया गया चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस बोबड़े पहले जज हुए जिनकी मानहानि एक वकील ने जम करके किया और माफी नहीं मांगी। उसी तरह से जस्टिस रंजन गोगोई भारत के इतिहास के पहले जज बने जिनके ऊपर यौन शोषण का केस लगा और उनके ही महिला स्टाफ ने, कि आप सोचिए भारत का मुख्य न्यायाधीश उसके ऊपर कैसा आरोप लगाया जा रहा है। और इस आरोप से बचना उनके लिए मुश्किल था क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो अपना इससे बेदाग कैसे होंगे। उन्होंने एक कमिटी बनाने के लिए अपने डिप्टी को दी, फिर ये कमिटी बनी, उसमें भी अरुण मिश्रा और इन तरह के जजेस थे, और उसके बाद उस कमिटी ने पाया कि ये जो आरोप रंजन गोगोई पे है वो आरोप गलत है, लेकिन उस महिला को भी किसी ढंग से सजा नहीं दी गई। लेकिन ये सोचिए कि कैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को दागदार किया गया। क्यों दागदार किया गया? इसलिए क्योंकि रंजन गोगोई ने राम मंदिर पर फैसला सुना दिया। अब ये लॉबिस्ट लेफ्ट लिबरल गिरोह का सुप्रीम कोर्ट पर कैसे कब्जा है कि सोचिए कि जस्टिस रंजन गोगोई ने चूंकि राम मंदिर पर एक हिस्टोरिकल जजमेंट दे दिया, इसके लिए इन्हें घेर लिया गया। और जब ये बाहर आए तो इनके लिए कहा गया कि इसने जानबूझ करके राम मंदिर पर फैसला दिया मोदी सरकार को खुश करने के लिए, तब जबकि वो मामला सालों से पेंडिंग था। अब इस चीज को देखिए कि जस्टिस चेरामेश्वर जो आपको ब्लू टी आप जो आपके सामने स्क्रीन पे जो तस्वीर है उसमें ब्लू टाई में जो है, सफेद शर्ट और ब्लू टाई में जो है, वही है जस्टिस रंजन गोगोई जिन्होंने राम मंदिर पर अपने इनकी अगुवाई में फैसला हुआ और 5 जजों की जो इन्होंने बेंच बनाई थी उस बेंच ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। 5 जज उन्होंने जो चुने थे वो भविष्य के सीजीआई भी थे और जिन 5 जजों को इन्होंने चुना था उन 5 जजों ने सर्वसहमति से ये फैसला दिया राम मंदिर पर, और किसी ने भी जब इसमें सिग्नेचर नहीं किया तो कि जजमेंट किसने लिखा, तो खैरातियों ने, इन पारा गिरोह ने, इन सब ने कहा कि फिर आखिर जजमेंट लिखा किसने, और फिर इनको घेरने की कोशिश की गई। किसको? उस रंजन गोगोई को जिन्हें अपना दुलारा मानते थे। क्यों दुलारा मानते थे? तो ये तस्वीर आप भूल नहीं पाएंगे। इसमें जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और आप जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर देख रहे हैं इसमें पीछे खड़ा है शेखर गुप्ता भी, ये पूरे लॉबी की जर्नलिस्ट जिसने सुप्रीम कोर्ट की कभी रिपोर्टिंग नहीं की, और ये तमाम लोग जो हैं ये सब के सब वहां पहुंच गए क्योंकि ये पूरा प्लांट किया गया, माना गया कि वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का इसमें एक पूरी भूमिका थी, जिसके जो जस्टिस चेलामेश्वर के घर पे पहुंचे थे। जस्टिस चेलामेश्वर उस समय में नंबर 2 जज थे। अब बहुत बारीकी चीजों से समझिए कि जस्टिस चेलामेश्वर उस समय नंबर 2 जज थे। जस्टिस चेलामेश्वर और जस्टिस दीपक मिश्रा दोनों की सीनियरिटी बराबर थी, दोनों एक ही दिन ज्वाइन किए थे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, लेकिन किस्मत यह थी कि पहले शपथ जस्टिस दीपक मिश्रा को दिया गया, इसीलिए जस्टिस दीपक मिश्रा सीजीआई बन गए और जस्टिस चेलामेश्वर सीजीआई नहीं बन पाए। ये कहीं ना कहीं कुंठा जस्टिस चेलामेश्वर के अंदर थी और इस कुंठा को उनके अंदर जगाया लॉबिस्टों ने कि आप जो है सीजीआई बनने वाले थे आप नहीं बन पाए। अब इस चीज को देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस सूर्यन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन बी लोकुर, ये जो आप देख रहे हैं ये हैं जस्टिस कुरियन जोसेफ, ये हैं, ये आपको स्क्रीन पे जस्टिस हाथ जोड़े हुए जो हैं वो हैं जस्टिस चेलामेश्वर जो उस समय नंबर 2 जज थे, और जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस मदन बी लोकू। अब इन चारों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी ये समझ में आएगा कि लॉबिस्टों ने इनको पछाड़ा, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। लॉबिस्टों ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, लॉबिस्टों ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, इस बात को समझ में आएगा कि जस्टिस दीपक मिश्रा, ये हैं जस्टिस दीपक मिश्रा। जस्टिस दीपक मिश्रा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तो इन्होंने तय किया कि राम मंदिर पर फैसला जो है अब इसकी रेगुलर हियरिंग हो, क्योंकि 2010 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का जो मामला है वो 2010 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था, और जस्टिस दीपक मिश्रा ने दूसरे जजों की अपेक्षा इस मामले पर अर्ली हेयरिंग करके यह तय किया कि इस मामले पर अब राम मंदिर पर फैसला आ जाना चाहिए। अब आपको लगेगा जस्टिस दीपक मिश्रा कौन है,
तब आप समझिए जस्टिस दीपक मिश्रा हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्र के भतीजे। जस्टिस रंगनाथ मिश्र कौन है? जस्टिस रंगनाथ मिश्र भारत के चीफ जस्टिस रहे और कांग्रेस ने उस समय में राज्यसभा का मेंबर बनाया। जस्टिस दीपक मिश्रा के चचा उड़ीसा के हैं जस्टिस दीपक मिश्रा। जस्टिस दीपक मिश्रा के चचा थे रंगनाथ मिश्र। आपको याद होगा रंगनाथ मिश्र मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष बने और राज्यसभा के लिए भी चुने। जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस दीपक मिश्रा के चचा हुए रंगनाथ मिश्र। इनके पिता भी वकील रहे, इनके दूसरे चचा भी जो है वो भी जज रहे और जस्टिस दीपक मिश्रा के जो दादाजी थे वो गोदावरी मिश्र कांग्रेस के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस कोटे से एमएलए रहे। इसके लिए मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। उस समय कांग्रेस चूंकि देश में कांग्रेस में का होना ही नेता होना है और प्रभाव का मतलब कांग्रेस होना है। तो जस्टिस दीपक मिश्रा जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, इनके साथ सौभाग्य यह है इनके परिवार में इनके चचा भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। इनके दादाजी कांग्रेस कोटे के थे और इनके पिता भी नेता रहे, इनके दूसरे चचा जो है वो भी नेता रहे उड़ीसा में। तो पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड इनका कांग्रेस था। पूजा पाठ में बहुत आस्था थी, गीता के बड़े ज्ञाता थे जस्टिस दीपक मिश्रा और इनके बारे में माना जाता है कि वो धर्मशास्त्र के गजब के विद्वान थे जस्टिस दीपक मिश्रा। तो राम मंदिर पर इन्होंने सोचा कि हम फैसला सुनाएंगे, हम हियरिंग करेंगे। राम मंदिर पर जो इन्होंने 5 जजों की जो बेंच बनाई उसमें जस्टिस चेलामेश्वर को नहीं लिया। जस्टिस चेलामेश्वर नंबर 2 थे, उन्हें नहीं लिया। जस्टिस दीपक मिश्रा जो नंबर 4 पे थे उस समय में और जस्टिस वो 3 पे थे उन्हें नहीं लिया। जस्ट और 4 और 5 नंबर पे जो है इन चारों सीनियर जजों को इन्होंने नहीं लिया। दीपक मिश्रा ने उस समय में, और चूंकि सीजीआई जो होता है वो सीजीआई के पास ये अधिकार होता है कि वो कौन इस मामले में कमिटी में किस किस को रखेगा, तो सामान्यतः सीजीआई सीनियर मोस्ट जजों को अपने साथ नहीं रखता। ये रूल है, एक तरह से परंपरा बन चुकी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वही ये तय करता है कि किस मैटर को कौन सुनेगा। और ये जैसे जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि क्रिकेट की टीम है और क्रिकेट टीम में धोनी मान लीजिए कप्तान है, तो धोनी तय करेंगे, सभी खिलाड़ी की अहमियत बराबर होगी, लेकिन धोनी तय करेंगे कि कौन अभी बॉलिंग करेगा, कौन किस जगह पे फील्डिंग करेगा, बैटिंग में कौन किस नंबर पे उतरेगा। ठीक इसी ढंग से सभी जजों की भूमिका बराबर होती है, लेकिन सीजीआई की जिम्मेदारी होती है कैप्टन की तरह कि नए मैटर जो रजिस्ट्री में आएगा वो किस किस को बांटेगा। काम बांटना होगा ना, एक आदमी टीम लीडर होगा जो काम बांटेगा। मान लीजिए इतने सारे PIL आ गए, रिट याचिका आ गई, जनहित याचिकाएं आ गई, तो इसको कौन कैसे सुनेगा, ये तय कौन करेगा। तो एक सिस्टम बना कि ये CGI तय करेंगे और CGI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अलग अलग मामले के लिए बेंच तैयार करेंगे। तो ये जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से CGI कर रहे थे, लेकिन पहली बार आपत्ति हुई जब मोदी युग में जस्टिस दीपक मिश्रा ने राम मंदिर पर सोचा कि सुनवाई हम करेंगे। तो राम मंदिर के लिए जो उन्होंने बेंच बनाया तो उन बेंच में जिन सीनियर लोगों का नाम नहीं था उन्हें आपत्ति हुई और उन्होंने कहा दीपक मिश्रा मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन पारंपरिक रूप से कई साल से यह सिस्टम चल रहा था। दीपक मिश्रा ने कोई नया सिस्टम नहीं लगाया था, जस्टिस दीपक मिश्रा ने कोई नया सिस्टम नहीं बनाया था, ये वही सिस्टम जो सालों से फॉलो किया जा रहा था कि सीजीआई जो है वो अलग अलग ढंग से देश का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो कमिटी बन जो कॉलेजियम वो अपने ढंग से इस पूरे मामले को तय करेगा। और इसीलिए जस्टिस दीपक मिश्रा ने जो राम मंदिर पर जो 5 जजों की जो बेंच बनाई जो सुनेंगे उसमें ये 4 सीनियर लोग नहीं थे, उनके नंबर के बाद नंबर 2 जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियम जोसेफ, ये चारों नहीं थे। और सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट, चूंकि मैंने लंबे समय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, सामान्यतः सीजीआई के साथ जो जजेज होते हैं वो जूनियर मोस्ट होते हैं, मतलब जो 1, 2, 3, 4 होगा वो अब मान लीजिए कि 29 जजेज होंगे, तो सीनियर जज यदि एक साथ बैठ जाएगा
तो फिर जूनियर जजों का क्या होगा? कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जूनियर नहीं होता, लेकिन होता है क्रमवार रूप से जिनकी जैसे जैसे नियुक्ति होती है उस रूप में होता है। तो सामान्यतः होता क्या है कि जो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ये कहते हैं कोर्ट नंबर वन में ये हेयरिंग हो रही है, कोर्ट नंबर टू में ये हेयरिंग हो रही है, कोर्ट नंबर थ्री में ये हेयरिंग हो रही है, कोर्ट नंबर चार में ये हेयरिंग हो रही है, कोर्ट नंबर पांच तक को माना जाता है हायर कोर्ट, ऐसे सभी कोर्ट को माना जाता है, लेकिन कोर्ट नंबर वन, कोर्ट नंबर टू, कोर्ट नंबर थ्री, कोर्ट नंबर फोर, कोर्ट नंबर फाइव कहा जाता है। और ये कोर्ट नंबर फाइव तक जो है पांचवें नंबर के जो जजेस होते हैं वो होते हैं। इसीलिए सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नंबर टू वाले या नंबर थ्री वाले, उनकी बेंच एक साथ नहीं बैठती है। ये जजेस जो सीनियरिटी के हिसाब से अलग अलग बेंच बनती है। लेकिन पहली बार इस पर उत्पात मचाया गया क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हियरिंग हो जाए। जो ही जल्द से जल्द हियरिंग हो जाए, उस समय 2017 में जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो एक माहौल यह बनाया गया कि दीपक मिश्रा यदि राम मंदिर पर फैसला दे देंगे तो राम मंदिर पर फैसला होने का फायदा मोदी को हो जाएगा। तो कपिल सिब्बल उस समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील हुआ करते थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि मिलॉर्ड, यदि आप इस मामले की अभी सुनवाई अर्ली हियरिंग करेंगे तो चुनाव में मोदी को फायदा हो जाएगा। तो कहा भाई इससे हमारा पॉलिटिकल क्या लेना देना है, ये मैटर हाईकोर्ट से आया है, हम सुनना चाहते हैं। ऐसा खेल किया गया कि पूरी तरह से दीपक मिश्रा के साख को ही डैमेज कर दिया गया। क्या किया गया, अब नई चीज सुनिए, दीपक मिश्रा पर महाभियोग लगा दिया गया। और इंडियन हिस्ट्री, जुडिशियरी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी सीजीआई को ऊपर महाभियोग लगा दिया गया। अब आपने बारी बारी से सुना जो मैंने हेडिंग दिया है कि कोई ऐसा जज नहीं बचा चीफ जस्टिस मोदी युग में जिसके ऊपर कोई बदनाम करने का कोई आरोप नहीं लगाया। आज आज रिटायर हुए सीजीआई जस्टिस अरविंद बोबड़े को ऊपर देखा आपने कि कैसे उनकी मानहानि की गई प्रशांत भूषण के द्वारा। उससे उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई के लिए देखा कि उन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दिया, उन्होंने यौन शोषण किया अपने स्टाफ का। अब बाकी आ गए जस्टिस दीपक मिश्रा। जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग लगा दिया गया। भारत के इतिहास में किसी भी सीजीआई के ऊपर कोई महाभियोग नहीं लगा था। क्यों लगाया महाभियोग? महाभियोग लगाया क्योंकि राम मंदिर का फैसला सुना रहे थे तो इस मामले में तो लगा नहीं सकते थे। तो हुआ क्या, येदुरप्पा का मामला था, येदुरप्पा उस समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने शपथ ले लिया था आनंद फान में। यह मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे रात में जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मैटर को सुना। अब इस मामले को लेकर के कर्नाटक से एक मुद्दा उठाया गया और जस्टिस दीपक मिश्रा को के ऊपर मानहानि कर दिया गया कि इन्होंने, इनका जो है विवाद ऑलरेडी चल रहा है। अब इस चीज को देखिए कि क्या हो गया, मतलब दीपक मिश्रा ने चूंकि राम मंदिर पर फैसला करने का सोचा तो उसके ऊपर मानहानि का उसके ऊपर महाभियोग चला दिया। और पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ने पहल कर ली और ये जो कपिल सिब्बल एंड गैंग है इन सब पूरी लॉबी जो है वो दीपक मिश्रा के पीछे पड़ गए। दीपक मिश्रा चौतरफा गिर गए। अब दीपक मिश्रा क्या करेंगे? दीपक मिश्रा इतने डर गए कि उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को पटक दिया, छोड़ दिया, भाई हमसे नहीं हो पाया, हमने बस हम हाथ जोड़ के ईमानदारी से रिटायर हो जाएं यही काफी है। ये लॉबी की ताकत है कि राम मंदिर का मामला सुनने की हिम्मत दीपक मिश्रा जुटा नहीं पाए क्योंकि कपिल सिब्बल एंड गैंग एंड पूरा लॉबी पीछे पड़ गया दीपक मिश्रा। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर से लेकर के सबने दीपक मिश्रा के ऊपर कि दीपक मिश्रा जल्दबाजी में है और दीपक मिश्रा राम मंदिर पर फैसला सुनाना चाहते हैं। राम इस देश की आत्मा से ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये हर जज का सपना था, हर जज का सपना था कि वो राम मंदिर पर फैसला दे, क्योंकि इतिहास में हर कोई अमर राम के साथ हो जाना चाहता है। राम मतलब राम राम से शुरू और राम नाम सत्य से हमारा जीवन खत्म होता है, तो हर कोई चाहता है कि राम के साथ उसका नाम हो। इसीलिए दीपक मिश्रा ने पहल की कि इस मामले पर सुनवाई करें, लेकिन उनके ऊपर महाभियोग का डर ऐसा कराया गया कि उन्होंने सोचा कि इज्जत बच जाए, जान बची तो लाख उपाय, और उन्होंने राम मंदिर पर फैसला देने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तब तक रिटायरमेंट उनका हो गया और जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए। जस्टिस दीपक मिश्रा कौन थे आप सोच लीजिए कि कैसे ये लॉबी बर्बाद कर देती है। जस्टिस दीपक मिश्रा का पूरा अतीत मैंने बताया कि कैसे उनके दादा गोदावरी मिश्र
एमएलए थे कांग्रेस से उड़ीसा में, स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ लड़ाई उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ी, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। जस्टिस दीपक मिश्रा के चाचा जी, सगे चाचा जस्टिस रंगनाथ मिश्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, कांग्रेस कोटे से राज्यसभा में मेंबर भी बने, राज्यसभा के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो आप समझ गए। लेकिन उस आदमी को भी मोदी से जोड़ करके बदनाम कर दिया गया, क्यों? क्योंकि वो राम मंदिर पर फैसला सुनाया, राम को ऐसे चिपका दिया मोदी से इन लोगों ने, ऐसा बड़ा बना दिया कि राम मतलब पता नहीं क्या कर दिया गया। और कपिल सिब्बल खुद व्यक्तिगत रूप से दीपक मिश्रा के विरोधी हो गए, और उन्होंने भी दीपक मिश्रा से यह तक कह दिया कि यदि आपने ये फैसला सुनाया तो समझ लीजिए क्या होगा। और उन्होंने कहा इस फैसले के सुनाने से, इस मामले की हेयरिंग से कांग्रेस बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसलिए आपको ये नहीं सुनाना चाहिए। अब आपने दीपक मिश्रा पलटी मार गए, दीपक मिश्रा चले गए, दीपक मिश्रा का हो गया रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो गया तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों था इसराइल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से याद कीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि जो इंसाफ देने वाला जो जजेज होते हैं, जो धरती पर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन भगवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और उस समय में लॉबी ने जय जय किया कि वाह 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 वा, क्या कर दिया, कमाल कर दिया। और इसमें शेखर गुप्ता एंड गैंग से लेकर के पूरा लेफ्ट लिबरल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट लिखी। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को पता ही नहीं था कि उनके प्रेस, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और जो लॉबी से जुड़े हुए, जो खराती मीडिया, जो राक्षसी मीडिया जिनको आप कह सकते हैं, जो बेचैन थे इतने दिनों से, ये सब के सब बेचैन हो गए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अब देखिए इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि चारों जज कौन है। ये चारों जज उस समय दीपक मिश्रा के बाद नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर पे थे। इन चारों जजों की शिकायत एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से थी कि राम मंदिर मामले में, जो अयोध्या मामले की जो सुनवाई है और बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे की, उसमें इनको क्यों नहीं जोड़ा गया। दरअसल ये चारों चाहते थे कि इस मामले में हमें जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये चारों सीजीआई के बाद नंबर चार के टू थ्री फोर्थ जज थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वो सीनियर मोस्ट पांच जजेज होते हैं। तो ये पांच जज सीजीआई दीपक मिश्रा के बाद, ये आपको नंबर टू पे, ये चेला मिश्र जो व्हाइट शर्ट में और कोर्ट में है, ये है व्हाइट शर्ट और ब्लू टाई में जो है जस्टिस दीपक मिश्रा, ये नंबर तीन पर थे। ये मदन बी लोकुर हैं, ये नंबर चार पे थे। ये कुरियन जोसेफ हैं, ये नंबर पांच पर थे। अब इन पांचों, इन जजों को लगा कि हमारी बात दीपक मिश्रा नहीं मान रहे, क्योंकि इन पांचों की इच्छा थी कि हम राम मंदिर मामले की सुनवाई करें। दीपक मिश्रा ने कहा कि यदि सब सीनियर मोस्ट की सुनवाई करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, फिर अदालत में दूसरे मामले की सुनवाई ढंग से नहीं हो पाएगी। इस मुद्दे को लेकर इनके कहा था कि कॉलेजियम में वो मनमर्जी करते हैं, दीपक मिश्रा के ऊपर आरोप लगा दिया मनमर्जी करते हैं। और जब मनमर्जी का आपने आरोप लगा दिया, इसका मतलब है कि आपने जानबूझ करके इस केस को लिया है, इसलिए दीपक मिश्रा बदनाम हो गए और उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। फिर राम मंदिर का मामला पेंडिंग चला गया, तब तक में 2019 का चुनाव आ गया और फिर रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। रंजन गोगोई ने इस मैटर को फिर से उठाया, तो अब तो दुलारे जज थे ये तो रंजन गोगोई दुलारू जज थे, कांग्रेस इनके पिता भी कांग्रेस के थे, इन्होंने इन चिरकुटों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया था। तो इन लोगों को लगा ये तो अपना जज है, इसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे साथ, तो ये इन लोगों ने उम्मीद बांध ली कि राहुल गांधी जो मैटर लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभिषेक मनु सिंह भी जिसमें वकील थे, इन सब ने ये सोचा कि राफेल के मामले में मोदी को फंसा दिया जाएगा और जस्टिस दीपक मिश्रा इस मामले की सुनवाई करेंगे तो दीपक मिश्रा जो है मोदी को परेशान कर देंगे। और ये भी माहौल, एक गॉसिप चलने लगी कि चार राज्यों में जो चुनाव है, विशेष रूप से तीन राज्यों में, मात्र छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उन तीनों राज्यों में यदि बीजेपी जीत हार गई तो फिर मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और ये बात मौखिक रूप से सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स जो है ना, उन्होंने मुझसे कही, जो मेरे मित्र हैं, कि देखिएगा ये चीजें होंगी। लेकिन हुआ क्या, तीनों राज्य में बीजेपी हार गई और तीनों बीजेपी रूलिंग स्टेट था, तीनों हार गए। लेकिन रंजन गोगोई ने इस मामले में पाया कि राफेल वाले मामले में इसने जो आरोप लगाया गया उस चीज को मानने से मना कर दिया।
अब उसके बाद इन सब की बेचैनी बढ़ी और पॉलिटिकली राहुल गांधी ने एक फर्जी तरीके से बयानबाजी जारी कर दिया। उनके वकील ने उन्हें पता नहीं क्या समझाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मानहानि कर दी। दीपक मिश्रा और इन टीम ने इनको नोटिस किया और उसके बाद इन ये फिर उल जुलूल हरकत करते रहे। इन्हें दो बार माफी मांगना पड़ा, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ। अब मैं आ रहा हूं वर्तमान जो कल जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं जस्टिस रमन्ना के लिए मुश्किलें कैसे होगी, इसको समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। बहुत बारीक और बहुत महत्वपूर्ण ये चीज, चारों जज अब रिटायर हो चुके हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं चारों जज, हर किसी का वक्त आता है और जाता है, ये चारों जज रिटायर हो गए। इसमें मात्र जस्टिस रंजन गोगोई जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाए और उसके बाद वो अभी वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर। अब भारत के एक मुख्य न्यायाधीश कल से ये बन जाएंगे जस्टिस रमन्ना। ये भारत के कल से मुख्य न्यायाधीश आप रटेंगे और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। रमन्ना आंध्र प्रदेश से हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं, अब इस चीज को बड़ी आपने तो अब तक जो चीजें हैं वो आपको किताबों में मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे कि कैसे जितने भी मोदी युग में जितने भी चीफ जस्टिस हुए उन सबको दागदार क्यों बनाया गया उनके, ताकि वो कोई भी फैसला करें तो बहुत आसानी से ये चिरकुटों की टोली कह दे कि ये तो मोदी भक्त है। मतलब हर कोई जो सरकार और देश के फेवर में कुछ करे वो मोदी भक्त हो गया। तो इसलिए जजों को भी इन चिरकुटों ने जोड़ दिया। जब तक इन्हें उम्मीद थी कि जस्टिस रंजन गोगोई तो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस कोर्ट के परिवार से आते हैं तो ये तो फेवर करेंगे, तब तक रंजन गोगोई के साथ थे। लेकिन रंजन गोगोई ने जो ही राम मंदिर पर फैसला किया, ये पारा ग्रुप जितना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चलने वाले चैनल जितने, सबने दीपक जस्टिस रंजन गोगोई की का चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये है जस्टिस रमन्ना, कल भारत के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाएंगे और ये जब शपथ लेंगे तो नेता और जजेज में फर्क यही होता है, दो चीजों को समझ लीजिएगा। जब हम पढ़ते हैं पद और गोपनीयता की शपथ तो मंत्री जो होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, लेकिन जजेज जो हैं वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। अब इस पद इस चीज को इस बात को समझिएगा। अब जब कल रमन्ना जो है जस्टिस रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए, अब लॉबी से कैसे ये बचेंगे ये इनके लिए चुनौती होगी। और जैसा मैंने आपको कहा कि दीपक जस्टिस रंजन गोगोई जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉबिस्टों के कब्जे में है। क्यों कहा, और ये कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने वाला जस्टिस दीपक जस्टिस रंजन गोगोई ने क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट लॉबिस्टों के कब्जे में। ये उम्मीद की जा रही थी कि जब वो राज्यसभा में होंगे तब वो स्वच्छंद होंगे और आप आरोप प्रत्यारोपों से मुक्त होंगे, वो नाराज नेता हो चुके हैं वो बयान देंगे, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाए। अब बहुत बारीक समझिए रमन्ना साहब के साथ, जस्टिस रमन्ना आंध्र मूवमेंट के से जुड़े हुए रहे। अब ऐसा मैंने कहा कि हर जज जो है वो वकील होता है, रमन्ना साहब जो है वो जुड़े हुए रहे हैं आंध्रा मूवमेंट से। 1979 से 1980 तक वो पत्रकार रहे हैं इनाडू अखबार के लिए। वाजिब सी बात है, हर जज जो है पेट से मां के पेट से पैदा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज तो बन नहीं जाता है, तो एक प्रक्रिया से गुजरा होगा। तो इनाडू अखबार जो है आज जिस ईटीवी में मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में पिछले साल रिजाइन देकर के मेनस्ट्रीम मीडिया में आया, उसी संस्था से, एक सम्मानित संस्था है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में, उस समय में इनाडू अखबार था, उसी वही अब इनाडू चैनल जो ईटीवी जिसे आप कहते हैं, इनाडू में ही पत्रकार थे 1970 से 1980 तक अखबार में रमन्ना। और उससे पहले वो मूवमेंट जो आंध्रा मूवमेंट जो चल रहा था उसमें वो शरीक रहे। अब इसी नहीं इतना ही नहीं, अब जस्टिस रमन्ना के बारे में और भी सुन लीजिए। जिस आंदोलन से जस्टिस रमन्ना सक्रिय रहे, जिस आंदोलन में जस्टिस रमन्ना सक्रिय रहे, उस आंदोलन से भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, बहुत गौर से सुनिएगा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी रमन्ना के साथ उस मूवमेंट में जुड़े हुए रहे। अब देखिए कि लॉबी जो है कैसे रमन्ना को आगे घेरेगी, जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं। जस्टिस रमन्ना, क्योंकि हर आदमी छात्रन कोई किसी न किसी वकील रहे तो वकील तो ऐसे भी मूवमेंट करता है,
वकील तो वकीलों की भूमिका तो ऐसे भी हमारे आजादी के आंदोलन में रहा है, और जितने भी रहे चाहे वो गांधी रहे चाहे जिन्ना रहे, हर के हर सबके सब जो है बैरिस्टर ही रहे, वकील ही रहे, आजादी के समय में वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब सोचिए जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश से, भारत के उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश से, दोनों आंध्रा मूवमेंट के मेंबर सदस्य रहे। बिल्कुल डॉक्टर चेतन कह रहे हैं जगनमोहन रेड्डी डूबने वाला है, अकल ठिकाने ना होने का परिणाम है। अब देखिए जगनमोहन रेड्डी ने शिकायत की थी जस्टिस रमन्ना के खिलाफ, ये सब रिकॉर्ड में, किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शिकायत की थी रमन्ना ने कि व्यक्तिगत रूप से रमन्ना पे आरोप लगाया था जगनमोहन रेड्डी ने कि रमन्ना हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी लेते हैं। मतलब एक 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 दाग जो है जस्टिस रमन्ना पे जगनमोहन रेड्डी ने लगाया हुआ है। और दूसरी चीज क्या है, बीजेपी से है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू उस मूवमेंट में साथ रहे। अब लॉबी क्या खेला करेगी, अब लॉबी के खेला को समझिए। अब लॉबी जो खेल करेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब ये लॉबी जस्टिस रमन्ना के पीछे पड़े, क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि इनने किसी को भी नहीं छोड़ा है। जस्टिस दीपक मिश्रा जिनका पूरा बैकग्राउंड कांग्रेस कोटे से रहा, जस्टिस रंजन गोगोई जिनका पूरा बैकग्राउंड पारिवारिक बैकग्राउंड कांग्रेस कोटे से रहा, कोई नहीं बचा। इससे पहले जस्टिस ठाकुर थे, जस्टिस ठाकुर जम्मू से थे, उनका भी बैकग्राउंड कांग्रेस कोटा से था, और उनकी भी साख को डैमेज किया गया कि वो भी इस मामले में प्रभावित रहे किसी ना किसी ढंग से। तब ये समझ में आएगा कि मैं ये नहीं कह रहा किसी जज की ईमानदारी और किसी चीज पे सवाल कर रहा। अब आप लोगों के सवाल लूंगा मैंने, इसीलिए आज एक हट करके इशू उठा कि पॉलिटिकली चीजें तो बहुत कुछ आता है आपके पास, इस फैक्ट को हम लोग समझें कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि मोदी युग में हर CGI को दागदार करने की कोशिश की गई। मोदी युग में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकदम बेदाग होकर के क्यों नहीं रिटायर हो पाया, और यदि रिटायर्ड हो गया तो रिटायरमेंट के बाद भी वो बच क्यों नहीं पाया, क्यों प्रशांत भूषण जैसे लोग एकदम निडर होकर के रहे और जस्टिस अरविंद बोर्डवे पर ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए और इस स्तर तक उतर गए कि इस देश में लोकतंत्र तो रहा ही नहीं। लोकतंत्र की समस्या तो इन लोगों को अब बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद आएगा, जब ये बाप बाप करना शुरू कर देंगे और इनकी स्थिति ये होगी कि ये कहना, ये आग लगाना देश में ये शुरू करेंगे कि जब देश कोरोना की विपदा से प्रभावित था उस समय भारत का प्रधानमंत्री बंगाल का चुनाव में लिप्त था, और यदि बंगाल का चुनाव किसी तरीके से किसी दुर्भाग्यवश बीजेपी हार जाती है तो ये कहेंगे कि सब कुछ ऊर्जा लगा दिया बंगाल लोगों ने, अकल ठिकाना लगा दिया। ऐसे पेश करेंगे जैसे मानो बंगाल में बीजेपी की सरकार ऑलरेडी हो और वो सरकार चली गई। इस खेल को समझने के साथ मुझे लगता है एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने उठाया, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप लोगों को जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को एक ऐसे रोचक चीज जिसके बारे में आपको कहीं सामान्यतः विश्लेषण इसका नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है कि न्यायपालिका की साख को डैमेज करने का एक लंबा षड्यंत्र जो है चल, क्यों न्यायपालिका के साथ को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, और क्यों न्यायपालिका को आपने इस कंडीशन में लाकर के रख दिया है। इस बात को समझिए कि किसान आंदोलन हो या शाहीन साजिश हो, न्यायपालिका को बैकफुट पे लाकर के इन लॉबिस्टों ने छोड़ दिया। शाहीन साजिश में जब हट जाता है सबको सब, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि लोगों को सड़क से हटाए, लेकिन उसी मामले में सड़क पर बैठ करके नेशनल हाईवे पर बैठा रह गया ये आढ़तियों का गैंग, सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी रही। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मां जो हमारा संविधान कहता है कि एक आदमी के अधिकार से की चाह में दूसरे के अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसे पाने के लिए हम दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। आढ़तियों ने नेशनल हाईवे पर बैठ करके इस देश में दूसरे लोगों के अधिकार का हनन किया। इस देश में ऐसे कई जगह हैं जहां पर प्रोटेस्ट बैठ करके किया जा सकता है, लेकिन पूरे नेशनल कैपिटल को चारों तरफ से घेरा गया, अराजक स्थिति का षड्यंत्र रचा गया,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट लाचार रहा, इसलिए क्योंकि लॉबिस्ट ऐसा गेम करते हैं कि आपको दागदार बना देंगे, आप जज हैं, आपको कह देंगे आपको सरकार के फेवर में, आपको सरकार के फेवर में, आपको सरकार के फेवर में, तो आप अपने आप को साबित करने में कि आप सरकार के पक्ष में खड़े नहीं है, आप देश के खिलाफ फैसले देते शुरू कर दें। अब इस बात को समझिए कि शाहीन साजिश में जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यह गलत था, सड़क पे नहीं बैठा जाना चाहिए था, उस सुप्रीम कोर्ट ने इन आढ़तियों को, ये सो कॉल्ड किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, और ये मजे से पिछले 6-7 महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं। ये हमारी न्यायपालिका की लाचारगी है, ये हमारी न्यायपालिका की बेबसी है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये कहा कि कोरोना मामले में ये 6 अलग अलग राज्य के जो हाईकोर्ट अलग अलग फैसले दे रहे हैं, जरूरत है कि इन तमाम मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन लॉबिस्टों ने एक बड़ा गेम करके चीफ जस्टिस के इस फैसले को कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया, और अल्टीमेटली ये हुआ कि अपने रिटायरमेंट के दिन बैकफुट पे आना पड़ा जस्टिस बोर्डवे को, और वो जस्टिस बोर्डवे यदि कहते हैं कि मैं बहुत सुकून से जा रहा हूं, तो मुझे समझ में आता है कि कितने सुकून से वो गए होंगे। दिव्यांशु जी कह रहे हैं कि आपको याद हो सीजीआई बोबड़े की कहे तिरुपति में मेहता टेकिन वाली फोटो को सब पेपर में खूब देखिए, ये चीजें आपने एक अच्छी याद दिलाई कि किस तरह से एक एक तस्वीरों को उठा उठा करके किस तरह से किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आसान नहीं होगा जस्टिस रमन्ना के लिए, कल से जस्टिस रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, और किस तरह से लॉबिस्ट उन्हें घेरेंगे, उनके 2-3 काउस जो है कारण हमने आपको बताया। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को समझ में आया होगा कि आज के दौर में इसीलिए क्यों इतना मुश्किल हुआ है, क्यों प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता होने के बाद भी मोदी के लिए मुश्किलें इस कदर है, कि आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। इसीलिए इस विश्लेषण को मैंने अपने ढंग से रखा है। अब मुझे लगता है कि एक ऐसा दस्तावेजी विश्लेषण आपके पास होगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चले कि कुछ भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की बेबसी क्यों इस तरह से होती है, ये अपने आप में समझना बहुत जरूरी है। इस विषय को अब मैं यहीं विराम देता हूं, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुभरात्रि करें, बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि एक फैक्ट ऐसे चीज उठाए गए जो अपेक्षा थी आज की तारीख में इस मुद्दे को सुनने का। ज्योत्सना जी कह रहे हैं कि सर मैं आंध्र से हूं और मैंने सुना है कि जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे चंद्रबाबू नायडू मास्टर माइंड था, वही नहीं थी ज्योत्सना जी, वामपंथी पार्टी का एक बड़ा नेता, लेफ्ट लिबरल गिरोह का, उसके बाद पूरी जो मीडिया लॉबी है उसमें भूमिका थी, और इस बात को लेकर के बाद में जस्टिस रंजन गोगोई को बहुत अफसोस हुआ कि वो इन सब चीजों के शिकार हो गए। मुझे लगता है कि ये चीजें हमेशा से जजेस को इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। माधवी जी कह रहे हैं कि बट रंजन गोगोई हैड गट्स टू ही डिलीवर्ड राम मंदिर वर्डिक्ट। अब ये बात तो कह सकते हैं कि उनके अंदर गट्स था, वरना सही बात है कि दीपक मिश्रा तो ऐसा करके अपना क्या उन्होंने बेबसी उन्होंने दिखाई कि भाग गए मैदान छोड़ करके, और आज मैं कह रहा हूं कि सीजीआई एक तरह से उनकी भी बेबसी ही रही कि अंतिम दिन उनकी क्या बेबसी है, देखिए हरीश सालवे कैसे अपने आप को वापस लिए पूरे मैटर से। अच्छा तुम माधवी जी, मजा तो तार आता वाता कि इनके गट्स को तब देखा जाता जब संसद में राज्यसभा में ये पूरे इन लॉबिस्टों के पूरी पोल खोलते, लेकिन इस विपदा ने कोरोना काल ने बहुतों का बहुत भला कर दिया, मुझे लगता है इसमें इन सबका भला हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, उम्मीद करते हैं कि जब चीजें ठीक से चलने लगेगी तो रंजन गोगोई के पास अभी वक्त है, और रंजन गोगोई इस मैटर को कम से कम लॉबिस्टों के खेल को जरूर, ये देश उम्मीद कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लॉबिस्टों का जो खेल है उसका खुलासा वो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुभ रात्रि।